Assessing SVHS through Scilab on Windows पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। SVHS का मतलब सिंगल बोर्ड हीटर सिस्टम है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे: Scilab और SVHS के बीच सीरियल संचार सेटअप करना, स्टेप्स टेस्ट परीक्षण करना। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम और Scilab 5.3.3। आप www.scilab.org से Scilab डाउनलोड कर सकते हैं। Scilab संस्थापित करने के लिए http://spoken-tutorial.org पर Scilab स्पोकन ट्यूटोरियल श्रृंखला देखें। इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले आपको इंट्रोडक्शन टू XCOS कनेक्टिंग SVHS टू कंप्यूटर देख लेना चाहिए। इनके संबंधित ट्यूटोरियल्स स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर इस श्रृंखला में उपलब्ध हैं। शुरू करने के लिए हमें Scilab स्टेप टेस्ट कोड डाउनलोड करना है, अतः एक वेब ब्राउजर खोलें। एड्रेस बार में टाइप करें os-hardware.in SVHS प्रोजेक्ट पर और फिर डाउनलोड्स लिंक पर क्लिक करें। SVHS लोकल कोड सेक्शन में उपलब्ध फाइल डाउनलोड करें और इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करें। ध्यान दें, डाउनलोड की हुई फाइल ZIP फॉर्मेट में होगी। इस फाइल पर राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट हियर चुनें। Scilab कोड्स लोकल नामक फोल्डर बनेगा। अब हम अपना परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार हैं। निश्चित कर लें कि SVHS आपके कंप्यूटर से जुड़ गया है और ऑन हो गया है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि SVHS को कम्युनिकेशन पोर्ट नंबर असाइन किया गया है। ये करने के लिए माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें और फिर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि विंडोज 7 की दिखावट अन्य विंडोज वर्जन से बिल्कुल अलग है। आपको उन स्टेप्स को रूपांतरित करने की भी जरूरत हो सकती है जो मैं आपके विंडोज वर्जन के अनुकूल यहाँ दिखाती हूँ। डिवाइस मैनेजर आपके कंप्यूटर पर हार्डवेयर यंत्रों की एक सूची दिखाएगा। पोर्ट्स कॉम एंड LPT विकल्प पर जाएं। ये यहाँ है, इसे खोलने के लिए इस पर डबल क्लिक करें। यदि आपने RS232 केबल जोड़ लिया है तो कम्युनिकेशन पोर्ट COM1 को देखें, नहीं तो USB सीरियल पोर्ट को देखें। RS232 कनेक्शन के लिए पोर्ट नंबर ज्यादातर COM1 ही रहता है। USB कनेक्शन के लिए ये कुछ अन्य नंबर भी हो सकता है। उचित COM नंबर नोट करें, मेरे केस में ये COM14 है। कभी कभी USB केबल जोड़ने के बाद आपको 1-2 डिजिट का COM पोर्ट नंबर मिलता है। सीरियल टूल बॉक्स जो आपके बोर्ड और कंप्यूटर को जोड़ता है केवल एक डिजिट के पोर्ट नंबर को हैंडल करता है, अतः अपने कॉम पोर्ट नंबर को बदलना जरूरी है। अब मैं आपको कॉम पोर्ट नंबर को बदलने की प्रक्रिया को दिखाती हूँ। इस विशेष कॉम पोर्ट पर डबल क्लिक करें, पोर्ट सेटिंग्स टैब पर और फिर एडवांस्ड पर क्लिक करें। कॉम पोर्ट नंबर ड्रॉप डाउन मेन्यू में पोर्ट नंबर को किसी अन्य एक डिजिट नंबर में चुनें। विंडोज आपको ये भी दिखा सकती है कि सभी पोर्ट्स इस समय उपयोग में हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल पुराना स्टेटस है। अतः यदि कोई अन्य USB डिवाइस जुड़ी हुई नहीं है तो आप बलपूर्वक एक विशेष कॉम पोर्ट नंबर उपयोग कर सकते हैं। इन सेटिंग्स को लागू करने के लिए ओके पर क्लिक करें। प्रॉपर्टीज विंडो बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें। डिवाइस मैनेजर और शेष विंडोज को बंद करें। अब सीखते हैं कि SVHS उपयोग करके स्टेप टेस्ट परीक्षण करने के लिए Scilab कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। Scilab लोकल कोड्स फोल्डर जो हमने डेस्कटॉप पर सेव किया है उसे खोलें। स्टेप टेस्ट फोल्डर खोलें। ser_init.sce फाइल पर जाएं और उस पर डबल क्लिक करें। ये अपने आप ही Scilab लॉन्च करेगा और फाइल को Scilab एडिटर में भी खोलेगा। अगर ये फाइल नहीं खोलता है तो फाइल मेन्यू पर फिर ओपन अ फाइल पर क्लिक करें। ser_init फाइल चुनें और ओपन पर क्लिक करें। Scilab वर्कस्पेस पर जाएं
और निम्न कमांड को निष्पादित करें। टाइप करें getd space dot dot slash common underscore files और एंटर दबाएं। फिर टाइप करें exec space dot dot slash common underscore files slash loader dot sce और एंटर दबाएं। आप देख सकते हैं कि ये मैसेज देता है कि इसने सीरियल पोर्ट टूलबॉक्स लोड कर लिया है। साइलैब एडिटर पर जाएं, ser_init.sce फाइल में उस लाइन पर जाएं जो वेरिएबल पोर्ट 2 की वैल्यू पूछता है। पोर्ट 2 वेरिएबल की वैल्यू निर्धारित कॉम पोर्ट नंबर से बदली जानी है। पोर्ट नंबर उस नंबर से बदले जो आपने निर्धारित की या जो आपने थोड़ी देर पहले सेट की है। निश्चित करें कि ये सिंगल कोट्स में हो। इस फाइल की विषय वस्तु में कोई अन्य बदलाव नहीं करें। अब फाइल सेव करें। मेन्यू बार पर फाइल को निष्पादित करने के लिए एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करें। साइलैब वर्कस्पेस पर आपको कॉम पोर्ट ओपन्ड मैसेज मिलेगा। तथापि यह भी संभव है कि आपको ये एरर मैसेज मिले। अब मैं स्लाइड्स उपयोग करके समझाऊंगी कि एक कठिन एरर कैसे हैंडल करते हैं। अब मैं स्लाइड्स पर जाती हूँ। TCLTK के केस में संबंधित एरर दिखती है। SBHS से जुड़े हुए USB केबल को दोबारा जोड़ें और इस फाइल को दोबारा निष्पादित करें। जांचें यदि कॉम पोर्ट नंबर बदल गया है। यदि ये अभी भी कार्य नहीं करता तो साइलैब को दोबारा शुरू करें और प्रक्रिया को दोहराएं। साइलैब वर्कस्पेस में निम्न कमांड निष्पादित करें। टाइप करें exec space step underscore test.sci और एंटर दबाएं। फिर टाइप करें xcos space step underscore test.xcos और एंटर दबाएं। ये स्टेप टेस्ट परीक्षण के लिए बने हुए Xcos इंटरफेस को लॉन्च करेगा। आप ब्लॉक्स पर डबल क्लिक करके ब्लॉक पैरामीटर्स बदल सकते हैं। आपको पहली बार पैरामीटर्स न बदलने की सलाह दी जाती है। Xcos विंडो के मेन्यू बार में सिमुलेशन विकल्प पर क्लिक करें। अब स्टार्ट विकल्प चुनें। Xcos फाइल को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के बाद तीन ग्राफ्स के साथ एक प्लॉट विंडो दिखेगी। पहला ग्राफ हीटर इन परसेंटेज है। दूसरा ग्राफ फैन इन परसेंटेज है और तीसरा ग्राफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है। नोट करने के लिए कुछ चीजें हैं। मैं स्लाइड्स पर जाती हूँ। इमेज में प्रदर्शित की तरह SBHS डिस्प्ले पर फैन, हीटर और टेम्परेचर दिखते हैं। ध्यान दें कि ग्राफ में प्रदर्शित वैल्यू SBHS डिस्प्ले पर प्रदर्शित के समान ही होनी चाहिए। यदि ये केस नहीं है तो इसका मतलब है कि साइलैब का SBHS के साथ संचारण नहीं होता है। आप यह भी चेक कर सकते हैं यदि संचार LED समय समय पर चमकती हैं। आपको इस इमेज में प्रदर्शित SBHS पर USB कनेक्टर के आगे ये LEDs मिलेंगी। ये वास्तविक परीक्षण है और परिणामों को देने के लिए कुछ समय लेगा। मैं कुछ समय के लिए रिकॉर्डिंग रोकूंगी। पर्याप्त समय के लिए परीक्षण रन करने के बाद अंतिम ग्राफ्स यहाँ की तरह प्रदर्शित किए जाएंगे। हम देख सकते हैं कि हीट वैल्यू में तापमान ने स्टेप चेंज पर प्रतिक्रिया कर ली है। ज्यादातर प्रक्रिया जो हमने देखी वो केवल एक फाइल को निष्पादित करके पूरी की जा सकती है। मैं आपको ये फाइल दिखाती हूँ। स्टेप टेस्ट फोल्डर पर जाएं। साइलैब लॉन्च करने के बाद Xcos खोलने तक स्टेप्स start.sce फाइल उपयोग करके निष्पादित की जा सकती है। मैं स्लाइड्स पर वापस जाती हूँ। आपको start.sce फाइल का उपयोग करने की सलाह प्रक्रिया की अच्छी समझदारी प्राप्त करने के बाद ही दी जाती है। ये फाइल कल्पना करती है कि ser_init.sce फाइल में दिया गया पोर्ट नंबर सही है। अब परीक्षण बंद करने के लिए Xcos विंडो के मेन्यू बार में उपलब्ध स्टॉप विकल्प पर क्लिक करें। परीक्षण पूरा करने के बाद अब SBHS को रीसेट करते हैं। इसकी दोबारा व्याख्या करने के लिए मैं स्लाइड्स पर जाती हूँ। चित्र में प्रदर्शित की तरह
SBHS पर रीसेट पुश बटन दिया गया है। रीसेट करने के लिए एक या दो सेकंड के लिए रीसेट बटन को दबाएं और फिर इसे छोड़ें। रीसेट ऑपरेशन हीट 0% और फैन 100% करता है। तथापि LCD पर दोनों के लिए 0 दिखता है। इस परीक्षण के लिए डेटा फाइल स्टेप टेस्ट फोल्डर में सेव किया जाता है। मैं आपको ये फाइल दिखाती हूँ। डेटा फाइल का नाम टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में है। डेटा फाइल का नाम ईयर मंथ डेट आवर्स मिनट्स सेकंड्स .txt की तरह पढ़े। अब मैं डेटा फाइल की विषय वस्तु को खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये प्रत्येक सैंपल के लिए हीट फैन और टेम्परेचर वैल्यूज रखता है। अतः ये फाइल विश्लेषण उद्देश्य के लिए उपयोग की जा सकती है। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने साइलैब और SBHS के बीच सीरियल कम्युनिकेशन सेट करना सीखा, स्टेप टेस्ट परीक्षण करना सीखा। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। इस मिशन पर अधिक जानकारी यहाँ प्रदर्शित लिंक पर उपलब्ध है। ये स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित है। मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।